वही। अरे ये क्या, अरे मैं अरे पूरा देख पूरा पूरा। अरे भाई मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मेरे को डायमंड उधर मिले थे उधर से, और मैं सीधा सीधा आया हूँ, मेरे को एक और डायमंड मिल गया। रुको मैं दिखाता हूँ, मिल गया मेरे को डायमंड। मैं इधर से गया और ये देखो ये क्या है। एक तो तू ये करना बंद कर भाई, मैं सबसे ऊपर रहूंगा। हाँ भाई ये ले हुए बनाई थी, बता क्या करना है नीचे। अरे भाई चल भाई बता क्या कर दे भाई, वहाँ पे एक बेड और मार मैं एक विलेजर। अरे मेरे को ना वो चाहिए इधर, इसको ना बोट में बिठाना है पागल औरत। अरे बोट So guys, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहाँ पे मैं और अर्णव दोबारा से आ गए माइनक्राफ्ट के साथ। और गाइज आज हम जो बनाने वाले हैं, अर्णव भाई तू बता आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं फूड फार्म। ये और अर्णव भाई कपड़े कहाँ से लाया भाई तू? अरे वो जो पिछले कपड़े थे ना, हाँ। वो थोड़े बेकार से थे, हाँ भाई, तो मैं गया टेलर के पास। अच्छा हाँ, तो उसने क्या बोला कि ये थोड़े बेकार हो गए, मैं आपके लिए बढ़िया से बना के देता हूँ, बहुत बढ़िया से। अरे भाई सही है तो, यार इसमें तो तूने टीडी भी लिखवा लिया। हाँ तो मैंने उसको बोला भाई बना दो, ये देख पीछे भी लिखा है। अरे ये मेरे पीछे नहीं लिखा, पर क्रीपर है मेरे पीछे गाइस, कोई बात नहीं। तो भाई देख आज हमको बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, फूड फार्म बनाना है। फूड फार्म तेरे पास फूड है? नहीं है ना यार, बस 8 बचा है, वो भी अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरे पास भी देख कितना कम, 17 ब्रेड है बस। हमको गाइस आज फूड फार्म बनाना है। फूड फार्म हम वो ऑटोमेटिक फूड फार्म बनाएंगे, वेजिटेरियन खाना ही होगा, उसमें नॉन वेज नहीं होगा, मतलब ऐसे ही क्रॉप्स वगैरह का। इन विलेजर्स की मदद से ही बनाएंगे। इधर एक दो है नल्ले पाओ, मैं थोड़ी इनकी ब्रीडिंग और करा देता हूँ, मैंने ब्रेड लगाए थे। और गाइस वो देख रहे हो वो क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया अपना खेती बाड़ी, वो भी शुगर केन की। अभी तो ज्यादा हमारे पास है नहीं शुगर केन, तो अभी रहेंगे। और सुन ये बात बताइयो कि ये किसने करी है शुगर केन की खेती? तूने करी है भाई, ठीक है गाइस। ये पूरा एरिया, ये जो थी ना ये पूरी ऐसे दीवार थी, इधर पूरी अच्छे से स्टेयर्स वगैरह करी, उधर आप हमारे घर का एरिया देखो, हमने माइन को भी थोड़ा सा सही करा, मतलब ऑफलाइन काम हमने बहुत करा। इधर जो चेस्ट वगैरह थी, वर्क स्टेशन, वो सब हमने हटा के अच्छे से डर्ट की स्टेयर के स्टेप बनाए। गाइस ये ना अब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो हमको ये पूरा कवर करना होगा, ये उगते ही हम कर देंगे। तो भाई हम यार मकसद से भटक रहे हैं अपने अर्णव भाई, पहले आर्मर पहन लो। हाँ आर्मर पहन लो, आर्मर पहन लो, मर जाएंगे कहीं ना कहीं। मरेंगे तो नहीं, हम मरेंगे तो यहाँ पे मैं वापिस उगा। अरे सीड प्लेसर अब मिली है मेरे को, बता यार मेरे को कब की मिल चुकी है। A few moments later. तो गाइज मैंने और अर्णव ने काफी सारी वीट इकट्ठी कर ली है, अर्णव तो बनाने भी लग गया ब्रेड, मैं भी जल्दी से अपने ब्रेड बना लेता हूं। अर्णव भाई कितने ब्रेड हो गए तेरे पास? 40 हो गए भाई मेरे पास, मेरे पास 31 हो गए। मैं इनमें से ना मेरे को कुछ अपने ब्रेड दे दे, मैं उन विलेजर्स को भी दे रहा हूँ ना, ताकि वो करे अपनी काम वाम, तेरे को पता ही क्या करते हैं वो ब्रेड खाने के बाद। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये लो भाई खाओ। बच्चे भाग रहे हैं कहीं से यार, बच्चे कहाँ से भाग सकते हैं यार, भाग ही नहीं सकते बच्चे। अरे हो रहा है ना, क्या हो रहा है, क्या हुआ? विलेजर हॉल में देखो, काम कर तू, बहुत सारी सैंड इकट्ठी कर ले, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, क्योंकि हमको इस फार्म में ना ग्लासेस बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। सैंड तू 3 स्टैक इकट्ठी कर ले, और एक काम कर 3 hopper 4 chest भी बना लियो। गाइस अभी मैं करने वाला हूँ वॉटर MLG क्लच। किन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। वाह टडन टडन, तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है अपनी एक और ब्रांड न्यू सुबह। और मैंने जैसे कि आपको अभी दिख ही गया होगा, मैं यहाँ पे तोड़ रहा था सैंड, और मैंने 3 stack और 25 sand इकट्ठी करी, तो अभी इतनी सैंड इकट्ठी हो गई। अब मैं इसको कोई चेस्ट में रख देता हूँ, इसके ग्लास भी बनाने थे ना, हाँ उसको ग्लास चाहिए थे, तो यहाँ पे कोल लाए थे क्या आप? अरे ये रहा ना कोल पड़ा है, इससे हम फटाफट से ग्लास में कर देते हैं। और वो अभी जा रखा है ड्रिप स्टोन के लिए, तो आने वाला ही होगा, उसको मिल गए होंगे शायद से, पता नहीं है। गाइस मैं भी यूं ही घूम रहा था, और ये देखो ये क्या है, मैं कूद नहीं सकता भाई। तीन तीन
गाइस तीन तीन यहाँ पे वो है जो वार्डन को स्पॉन करते हैं यार, मेरे को निकलना होगा वरना अगर इधर वार्डन आ गया, गाइस अगर यहाँ पे वार्डन आ गया और मैं फंस गया हूँ कैसे जाऊँ यार। भागो भागो, कुछ मत देखो, भागो भागो भाई। मैं अर्णव को जल्दी से मैसेज करता हूँ भाई, अभी हम फटाफट से जाके इसकी इसको इसको बेचते हैं और जल्दी से उठाते हैं आयरन। ये तो कुछ आयरन नहीं मिलता, और कोई है भाई, और कोई और कोई, ये क्या मैसेज आया है? अर्णव भाई मुझे वार्डन का स्पोनर मिला है। अरे भाई इसको वार्डन का स्पोनर मिल गया, अरे कहाँ पे मिला है भाई, हम भी जाएंगे बता के आएंगे उस वार्डन को क्या चाहिए, हम मार के ऐसा आऊंगा ना उसको, क्या बताऊँ उत्तेज मारूंगा, बस मिल जाए एक बार। गाइस यहाँ पे मैंने अर्णव को मैसेज करा कि मैं दूर भाग गया हूँ उससे, तो अभी मैंने उसको बोला है कि अभी तू आ जा, हम बाद में जब ये बना लेंगे ना फूड फार्म, क्योंकि अभी हमारे पास फूड नहीं है, तो अभी हम उससे अगर हम गए उसके पास तो हम पक्का मर के आएंगे, इसलिए अभी थोड़ा सा फूड फार्म बनाने के बाद हम जाने वाले हैं वार्डन को मारने। तो गाइस मैंने उससे अभी बोला है कि हम अभी मेरे को ड्रिपस्टोन नहीं मिला है तो अभी मैं नहीं जा सकता इधर। गाइस मेरे को लग नहीं रहा है कि हमारी स्कीम में है ड्रिपस्टोन, क्योंकि मैं इधर से ही गया था, इधर ही मैंने बंदों को पेला था। अभी थोड़ा सा इधर ऊपर अगर मैं देखूं तो क्या पता मेरे को मिल जाए। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े से आयरन इसको बेच दिया और 50 एम्ब्रल्ड हो गया मेरे पास फिर से। अरे कुछ लेने वाला बचा था नहीं ना, तो अभी वापस चलते हैं और ये 50 डायमंड आराम से चेस्ट में जाके रख देंगे। गाइस मैं यूं ही जा रहा था इधर केव से और मेरे को ये देखो क्या मिला है भाई साहब, डायमंड मिल गया यार। अभी डायमंड्स का अभी मेरे को लग नहीं रहा मेरे को खोदना चाहिए, क्योंकि फॉर्चून 3 का इंतजार करना चाहिए कि नहीं, या फिर तो खोद ही लेता हूँ। एक ही डायमंड है वैसे, क्या ही फ़ायदा होगा फॉर्चून 3 का, तो मैं खोद लेता हूँ कोई बात नहीं। ड्रिपस्टोन कहाँ, ड्रिपस्टोन कहाँ, डायमंड चलो एक डायमंड तो मिला। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मेरे को डायमंड उधर मिले थे उधर से और मैं सीधा सीधा आया हूँ, मेरे को एक और डायमंड मिल गया, रुको मैं दिखाता हूँ। कहाँ मिल गया मेरे को डायमंड, मैं इधर से गया और ये देखो ये क्या है, ये मेरे को दो बार लगा कि वो स्कल्क का वो होता है ना बेकार सी चीज़ वो है, लेकिन ये डायमंड है, मैंने पीछे भी मिस करे होंगे यार फिर पक्का। अरे मुझे ये सामने क्या दिख रहा है, ये बहुत सारी कोबवेब है, रुको मैं जाके देखता हूँ। गाइस यहाँ पे स्पोनर है लिटरल, और भाई स्पोनर है इधर, अर्णव को मेरे को मैसेज करना पड़ेगा इसके लिए, रुको मैं अर्णव को जल्दी से मैसेज करता हूँ। इधर स्पोनर है और चेस्ट वगैरह भी है क्या कुछ, नहीं लावा है, और ये कौन सा स्पोनर है, लेकिन केव स्पाइडर का स्पोनर, ये तो बहुत एक्सपी देता है ये वाला स्पोनर, इसका तो एक्सपी फार्म बनाएंगे हम इसका। ये तो पूरी माइनशाफ्ट है, पूरी माइनशाफ्ट मिल गई है मेरे को, बढ़िया यार। मैं अर्णव को मैसेज करता हूँ, अरे चलो उसका भी मैसेज आया है। अभी मैंने इसके कोऑर्डिनेट ध्यान से रख लेता हूँ, एक मिनट भाई, वो कह रहे ड्रिपस्टोन मिले यार, लेकिन ड्रिपस्टोन तो अभी मिले नहीं है। हाँ तो गाइस यहाँ पे ग्लास तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाले हैं, दो तीन ही बचे हैं बस, तो दो होपर विद माइनकार्ट और ग्लास तीन स्टैक कंप्लीट हो चुके हैं, तीन से ज़्यादा ही बना लिए, हाँ पाँच स्टैक चार स्टैक बोल सकते, चार स्टैक बना लिए हमने। ओके गाइस फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ, ये मैं कहाँ आ गया यार, मैं अपने नीचे इधर से कहीं आया हूँ, खोदते खोदते मेरे को रास्ता क्योंकि मिल नहीं रहा था वापस जाने का, तो अभी मैं अपने विलेज पे दोबारा से जाने वाला हूँ, मेरे को कोऑर्डिनेट तो याद ही है, रुको मैं जाता हूँ फटाफट से। हाँ तो गाइस जब तक वो आ रहा है तब तक मैं थोड़े से आयरन ही कर लेता हूँ फिर से ट्रेड, अभी मैंने करे थे थोड़े से, तो उससे 50 एमरल्ड लाया अपने पास, थोड़े से और करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से 24 एमरल्ड और इकट्ठे कर लिया, फटाफट से चलते हैं, इसको भी चेस्ट में आराम से रख के आ जाते हैं। ओके तो गाइस हमको फाइनली हमारा विलेज मिल चुका है, मैं ना थोड़ा भटक गया था पहले भाई, देख मुझको वो तो नहीं मिला ड्रिपस्टोन, लेकिन मैं एक मस्त चीज लाया हूँ, दिखाऊं तेरे को क्या लाया भाई, बोल भाई। अरे डायमंड मिल गए, क्या बात है भाई, ये दो डायमंड मिले, दो डायमंड टेस्ट में रखा भाई। हाँ जा रहा हूँ वही रखने जा रहा हूँ, और उसका क्या हुआ जो वो मिली, क्या वार्डन, वार्डन नहीं मिला, वार्डन का स्पोनर मिला, अगर मैं दो तीन बार और साउंड कर देता वो वार्डन स्पोन हो जाता, फिर मैं शायद इधर बिना आर्मर वगैरह के ही स्पोन हो जाता, सीधा टीपी हो जाता। चल भाई कोई बात नहीं, अभी अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं, तू जो मेरे को बोल के गया था मैंने वो सब इकट्ठा कर लिया है। अच्छा कर लिया, मैंने जगह सोच भी ली, इधर आ देख, हम ना ये पूरा एरिया जो है इधर पूरी अच्छे से स्टेयर्स वगैरह लगा के, मैं तो कहता हूँ इधर इधर इस साइड जस्ट इधर इधर बना लेते हैं फार्म, इधर ये भाई AFK नहीं होना पड़ेगा फिर, क्यों होना पड़ेगा, ये तो बहुत पास है घर के।
A few moments later. अन्ना भाई बोल भाई। देख हमने ये एरिया तो काफी क्लीन कर लिया, मैं सो के भी आ गया हूँ। अब तू एक काम कर, जो तूने ग्लासेस इकट्ठे करे ना, एक बार तू मेरे को वो दे ग्लासेस। ये ले। ये टेबल इधर लगा दिया गाइस, हमने इनको थोड़ा ऐसा डाई करने वाले हैं इनको वाइट स्टेन ग्लास में, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाउंड्री कैसे बनानी है। वैसे भाई ये मेरे को ना कम एरिया लग रहा है, क्योंकि काफी बड़ा फार्म बनेगा ये हमारा। पहले बाउंड्री बना ले, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। चल ठीक है। तो गाइस पहले ना आपको तीन ऐसे ब्लॉक लगाने हैं, तीन ये ब्लॉक लगाने के बाद एक ब्लॉक इधर ऐसे, और तो गाइस एक ब्लॉक इधर ये लगाने के बाद आपको लगाने दो तीन चार पाँच, और ये तो पाँच पे खत्म हो गया भाई। अरे तू बना दे, मैं बाद में बना दूंगा। अरे यार ऐसे में कैसे बनाऊं डायगोनल में, पागल। ये ले भाई, आ, आ, बना। दो तीन बना, बना। चार पाँच छ सात आठ, आठ ब्लॉक लगाने के बाद नौ ये, उसके बाद फिर तीन ब्लॉक इधर, मतलब दो ब्लॉक इधर आएंगे, और उसके बाद देखो मेरा मेरा ग्लास खा गया अंडा तू। अब इधर ब्लॉक लगाना यार, तू मेरे को डांट दे। अरे पहले डांट दे। ये लेना, अरे ऊपर ही तो आ रहा था मैं देने। ये ले गाइस, जब तक इसको मारो ना नहीं काम नहीं करते, 14 डांट दिए। तो गाइस ऐसे आपको ये कर देते, मैं तुम्हारे को दोबारा बताता हूँ, ये ना बेकार बंदे। तो ऐसे तीन ब्लॉक लगाने के बाद तुम्हें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नौवा ब्लॉक लगाने के बाद दो इधर ऐसे, फिर दोबारा से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर एक दो, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर ये दो ब्लॉक इधर लगेंगे ऐसे करके, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और ये नोवा लगा है। परफेक्ट, ये बाउंड्री बन गई। तो ये जो है ना हमारा, ये मेन हमारा फार्म होगा, और इधर अभी ना हमको पूरे में होए करना पड़ेगा इस एरिया को। तो अभी दो मिनट दो, हम वो सब करते हैं अभी। तो गाइस ये आपको बाउंड्री बनाने के बाद आपको ना ये बाउंड्री को एक डबल कर देनी है पूरी, ऐसे एक एक ब्लॉक ऊपर कर देना है, इधर का डबल करने के बाद हमको ना इधर वाटरिंग का करना होता है, और एक साइड से जहाँ से हमको विलेजर लाने हैं ना उधर की, ये तुम दोनों तोड़ देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हमको इधर वाटर का काम करना है। देखो गाइस मैंने ना यहाँ पे अपने यहाँ पे भी हमको पानी वगैरह डालना है, उधर गड्ढे कर दिए हैं। टोटल इस फार्म में आठ गड्ढे होंगे, आठ जगह ही हमको पानी डालने की ज़रूरत है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे डालना है। जो तुम्हारी जैसे स्टार्टिंग है, मान के चलो ये तुम्हारी स्टार्टिंग है, तो इधर से लो एक को ना एक दो तीन ब्लॉक छोड़ के एक गड्ढा करो, फिर एक ब्लॉक छोड़ के एक गड्ढा कर दो, तो ऑटोमेटिकली इधर से भी तीन गड्ढे हो जाएंगे। ऐसे ही पूरी हर जगह से तीन छोड़ के एक गड्ढा, फिर एक छोड़ के एक गड्ढा, फिर तीन छोड़ के खुली हो जाएगा ये, फिर तीन छोड़ के एक गड्ढा, फिर एक छोड़ के, ऐसे पूरा करते हुए तुम्हें ये कर देना, और सब में अब पानी डाल देना। तो मैं जल्दी से दो मिनट में पानी डाल के बोलता हूँ। तो गाइस हमने फाइनली सारे गड्ढों में पानी डाल दिया है। अब ना इन गड्ढों को हमको ना ऊपर ऐसे वो लगा देना है, और क्या कहेंगे, मैट नहीं कारपेट, कारपेट लगा देना है। तो मैं जाता हूँ जल्दी से बकरियों को शेयर करता हूँ, और कारपेट लगाता हूँ, दो मिनट दो मेरे को बस। तो गाइस अभी मैं मैट लेके तो आ गया हूँ, और रात होने वाली है, तो अर्णव भाई सो जा। हाँ मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आपको ना इधर मैट भी लगा देने हैं अपने हर गड्ढे के ऊपर, क्योंकि ये मैट मेनली हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो इधर विलेजर आएगा ना वो इनके अंदर ना जाए, तो इसलिए हम मैट भी लगा रहे हैं इधर, और ये कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अब जो मेन काम है ना, अब वो है मेरे ख्याल से होए का। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको ना इधर बीच में भी, पूरा फार्म के जस्ट बीच में एक वाटर का सोर्स बनाना है। तो हमारा ये अभी मैं देख लेता हूँ हर जगह से, मतलब नाइन का ये बीच वाला छोड़ के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ का ये छोड़ के इधर एक गड्ढा करना है, ये बिल्कुल सेंटर का गड्ढा है हमारा। इधर आपको एक वाटर सोर्स डाल देना है। अन्ना भाई ये ले नहा ले, मैं भी नहा लूँ। ए नहा चलो चलो ठीक है भाई, गंदा बच्चा। सबसे पानी मिल जाएगा। अभी मैं देखता हूँ विलेजर का, विलेजर फालतू के विलेजर ना एक है भाई, दो है, दो विले बस काफ़ी है, दो विलेजर। तो अभी धीरे धीरे हम गाइस इनके ना विलेजर और बढ़ा देंगे। अन्ना भाई मैंने तेरे को बेड भी बोला था बनाने को। नहीं बोला भाई तूने। भाई तू यार, भाई तूने नहीं बोला यार, शायद नहीं बोला होगा। कोई नहीं मैं बना लेता हूँ बेड। जो अब हमको गाइस इधर ना बेड लगाना है, मैं बता दूँ कैसे लगाना है। बेड लेके बस ऐसे प्लेस कर देना है तुम्हें बस। अब ऐसे बेड लगाने के बाद तुम्हें ना इसके ऊपर ऐसे तीन चार ना वो लगाने टेम्प्रेरी ब्लॉक। तो टेम्प्रेरी ब्लॉक में मैं क्या लगाऊँ, मैं वूल लगा देता हूँ टेम्प्रेरी ब्लॉक में, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ये लगाना है, और ये ऐसे
ठीक है ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि विलेजर को ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो, और ये अंडा मुझे बहुत मार रहा है, रुको इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। तो देखो गाइस मैंने इतना काम तो कर दिया, अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो हमको है होए का काम। तो भाई होए बनाई थी तूने, एक तो तू ये करना बंद कर भाई, मैं सबसे ऊपर रहूंगा। हाँ भाई ये ले होए बनाई थी, बता क्या करना है नीचे। अरे भाई चल भाई बता क्या कर देख यार, काम खराब कर रहे हैं ना भाई। अरे अच्छा बेड के नीचे भी कर दो भाई, हटा यार इसको, ये नहीं हो रहा। अन्ना मैं बहुत मारूंगा अगर तूने बदतमीजी करी भाई। यार वो देख वो हो नहीं रहा हो। अरे तू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। तू जा ट्रैप डोर वगैरह देख, कूद रहा है, ट्रैप डोर वगैरह बना के ला जा। A few moments later. तो गाइस मैं अभी शुगर केन का भी थोड़ा करके आ गया हूँ, काम अर्णव भी आ गया, अर्णव ट्रैप डोर बना के लेके आ गया भाई। हाँ भाई ये ले कुछ आठ, हाँ आठ ट्रैप डोर बना दिए ले। अब देख जो मैं तेरे को काम सौंपने वाला हूँ वो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा मेरे लिए सब आसान है भाई, बता। अच्छा दो विलेजर को इधर दो बोटों में बिठा के ले आ, दो मिनट में, दो मिनट में लाऊंगा देख। अभी इधर इस स्पॉट पे देख, इस वाली स्पॉट पे इधर इधर ये देखिए इधर, बस रात होने देख फिर कैसे। अरे यार रात। अच्छा ठीक है समझ गया। तो यार गाइस अभी ना हमको इधर पूरे में हर जगह क्रॉप्स लगानी है, तो क्रॉप्स का काम भी अभी करेंगे। अंडा भाई बोन मील मैंने देखो बोला था ना बनाने को बोन, अरे भाई उसमें बन गए होंगे यार, जाके उठा ले। ओके मैं जा रहा हूँ। और अभी ना गाइज हमको हर जगह उधर क्रॉप्स लगानी है, तो हम ना अभी आलू लगाएंगे उधर, क्योंकि आलू यार सबसे मेन है, आलू को हम पका के खाएंगे, बेक्ड पोटैटो खाएंगे, बेक्ड पोटैटो। तो गाइज यहाँ पे मैं विलेजर तो एक बिठा के ले आया हूँ, और रात भी सही टाइम पे हो गई है, तो मैं अभी क्या करता हूँ बेड को यहाँ पे मार देता हूँ बेड, और अभी इसको बोलता हूँ बेटा चलो ऊपर, चलो ऊपर जाएंगे मजे करेंगे। मैं भी गाइज अभी आया हूँ उधर आलू लेने, अगर मेरे को आलू मिल जाए तो। यार आठ ही आलू है यार हमारे पास अंडो, ये आ गया, आ गया बेटा। अरे अरे बेटा तो ऊपर ही जा रहा है, जाओ बेटा जाओ। अरे ले मैंने उसको अंदर ही भेज दिया। अरे अंदर नहीं जाना था ना वो पागल, अब वो सो गया अंदर जाके, वो अंदर नहीं जाना चाहिए, वो बाहर बाहर लाओ उसे बाहर। चल चल बाहर। ओए भाई वहाँ पे एक बेड और मार, मैं एक विलेजर। अरे मेरे को ना वो चाहिए इधर, इसको ना बोट में बिठाना है पागल हो रहा। अरे बोट बन। तो गाइस अभी तो हम सो गए हैं, दो विलेजर को हमने ट्रेडिंग हॉल से तो बाहर निकाल दिया एटलीस्ट, और अभी हम करने वाले हैं इधर खेती का काम। तो भाई बोन मील के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसको हम बोन मील से उगा के करते रहेंगे काम वगैरह। दो बोन भी है मेरे पास, रात को वो जो स्पॉन हुआ तो उससे देखो अब हमको ना जी क्या कर दिया, कोई नहीं, अब हमको इधर बोन मील लगा के आलू बना के इधर उगाते रहना होगा इसको, और फिर ऐसे ही खुद ही तोड़ के इसे और लगाते रहना होगा। तो भाई अब हमको चाहिए होगी बहुत सारी बोन मील, तो हम जा रहे हैं अभी वही अपना जो सिस्टम बनाया अंडा ने उधर से बोन मील निकालेंगे। और क्या अंडा भाई कितनी बोन मील है उसमें? 14 थी। A few moments later. ओके तो गाइस जितनी हमारे पास बोन मील थी हमने उसका तो कुछ कर ही दिया, देखो अभी हमारे पास है नहीं, हम जो इसमें विलेजर डालेंगे ना वो खुद ही उगा देगा इसमें, मेरे को पता है जो ये उगेंगे वो उसको तोड़ के इधर उधर भी उगाते रहेगा, पूरी खेती वो कर देगा। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ फार्म को। तो गाइज़ अभी ना इधर एक गड्ढा कर देना है आपको, जहाँ से आपको अपना वो चाहिए क्या कहते हैं स्टोरेज सिस्टम, तो हमको इधर से ही अपना स्टोरेज सिस्टम चाहिए। ये लगाने के बाद इसके ऊपर तुम्हें एक लगा देनी है इधर इस साइड पे जाके, ऐसे कुछ रेल लगा देनी है, और उसके ऊपर एक माइनकार्ट भी धोपे बनानी है। अन्ना भाई बाहर आ जाओ, अन्ना मैं तेरे को ना तू बोल रहा था माइनकार्ट भी धोपे भाई यार, और भाई बिल्कुल भी नहीं हिली, चल बढ़िया। और ये जो नीचे की रेल है ना इसको यूं ऐसे करके तोड़ देना है। अब हमको इसके ऊपर ना एक और ऐसे ही सेम रेल लगानी है, तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे थोड़े से ये डर्ट ब्लॉक्स ले लेते हैं, और इसको इधर लगा के एक और, भाई मेरे को दियो एक बार माइनकार्ट भी ऊपर, अन्ना डर्ट ब्लॉक तोड़ जा ये ला। हाँ देखो गाइस ये ऐसे कुछ हो जानी चाहिए, और इसके ऊपर अन्ना इसके अंदर कूदियो मत, अगर तू कूदा, अगर तू गलती से कूदा इसके अंदर, कूदने का बहुत मन कर रहा है भाई मेरे को, चेक करना क्या होता है। अरे पूरी हट जाएगा यार सिस्टम हटा।
तो अब आपको ना इधर ऐसे ट्रैप डोर लगा देना है। अब इसके अंडर जैसे अंडर को मन करा खड़ा होने का तो ऐसे खड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर तूने इसको खोला मैं बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। और तेरा नाम कैसे चमक रहा है यार, सही है यार, ये काम कर, काम पगार नहीं दूंगा। अबे जा तू, चलो कर। तो गाइस अभी ना आपको ऐसे इधर लगा देना है और ये अभी पूरा ऐसे कर देना है ये, और इस पार्ट जो है ना ये वाला पार्ट इधर ना विलेजर आएगा। आजा भाई, आजा भाई, रुक जा, अरे रुक जा, अरे आराम से भाई, आराम से वेट भाई, भाई अंदर जाना है इसको, भाई रेल ही बनानी पड़ेगी भाई, बनाई तो है मैंने। हट ना, हट हट बे, वो अरे ये क्या, अरे मैं अरे पूरा देख, पूरा पूरा, अरे भाई, भाई मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। गाइस दो मिनट दो, ये पूरा सही करके आते हैं। ये जो विलेजर है ना ये बहुत गलत जगह है, अब ना इसका इधर इधर आ जा जहाँ मैं हूँ, इधर से सीधा सीधा अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे को नहीं नहीं वो मैंने एक से नीचे खोदा है, ठीक है। तो जस्ट ऊपर जहाँ पे तू है ना, जस्ट ऊपर विलेजर है, और अगर तूने गलती से ये वाला ब्लॉक खोदा मैं बता रहा लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे तेको पता है। तो गाइस मैंने चार चेस्ट तो इधर फाइनली अभी बना लिया, और भाई तू आलू की खेती बढ़ा रहे क्या? तो इधर ना दो चेस्ट ऐसे लेनी है, और ऐसे लेके थोड़ा सा रूम बना लेते हैं इसको, इसको पूरा गाइस हम ऑफलाइन सजाएंगे, ये मत समझो हम बेकार का काम कर रहे हैं। अभी अभी तो यार तुमने हमारी चीज़ें नहीं देखी, अभी तुम बस सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि तुमको हमारी गेमिंग से रिलेटेड नए नए अपडेट आते रहे। और हम ना बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं ना, क्या बहुत ही कुछ तो बहुत बड़ा आने वाला है आने वाले फ्यूचर में, तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब तो देखो करना पड़ेगा ही। तो गाइस ये अभी के लिए हमारा रूम इतना ही है, अभी इसको थोड़ा अच्छे से हम सजाएंगे। तो हमारा वैसे अब फार्म कायदे से मेरे ख्याल से तो डन हो चुका है। तो गाइस हमारा ये फार्म जो है वो अभी बन चुका है, पूरी तरह से बन चुका है, बस अब ना इसमें हमको क्या करना होगा, AFK रहना पड़ेगा थोड़ी देर, और ये ना काफ़ी देर बाद काम करेगा, तो आपको अगली वीडियो में ये काम करता हुआ दिख जाएगा। और हमने इसके ऊपर छत भी बना देंगे अगली वीडियो तक, जब भी आपको वो वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे। हम छत क्या, इसके ऊपर एक दो फ्लोर और आने वाले हैं। हाँ मतलब वो ही कह रहा हूँ, एक दो फ्लोर और बना देंगे, उसमें हम कैरेट्स भी लगा देंगे, किसी में वीट भी लगा देंगे। तो गाइस हमने ना थोड़ा सा इसमें अपडेट करा है, हमने ना एक होपर ऐसे आगे नीचे की तरफ लगा के, और उसके बाद ये थोड़ा सॉर्टिंग सिस्टम करा है, वरना उसमें आता नहीं, अब सारा कूड़ा इसमें आ गया फाइनली। तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, हम आपसे मिल लेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।